हेलो स्टूडेंट, लास्ट में वीडियो सॉरी कट हो गया था। अब वही सम कर रहा हूँ। ए और बी कंप्लीट हो गया था। अब हम जो ढूंढेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी यानी कि सी पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सी है। रेडी? तो सी पर क्यू वन भी फोर्स अप्लाई करेगा, क्यू टू भी अप्लाई करेगा। यानी क्यू वन है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन रिपल होगा, यानी इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। आप देख सकते हो क्यू टू। रेडी? तो क्यू वन इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये रिपल करेगा। Q2 नेगेटिव है, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इसके इस डायरेक्शन में होगा। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? चलो, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर होगा। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी इसको अट्रैक्ट करेगा। रेडी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ होगी ना। रेडी? यहाँ पर होगी। तो यानी दोनों का एंगल कितना होगा? इन दोनों का एंगल 120, यानी थीटा हो गया हमारा 120। चलो, तो अब क्या करना है हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पहले इसका लगा ले। तो ई वन के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है। इन दोनों का जो यहाँ पर इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल यानी ये 0.1 मीटर होता है, ये भी 0.1 मीटर, ये भी 0.1 इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी एंगल भी यहाँ पर 60, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60। आई बात समझ में? तो 0.1 ऑल स्क्वायर हो जाएगा। हम अच्छी तरीके से देख लेना, ई वन इज आपको मिल गया 9 × 10⁻³। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के द्वारा लगने वाला इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q2 वैल्यू 10⁻⁸ है, के की वैल्यू फिक्स रहेगी और 0.01, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा मिल रहा है पर सेम, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई E2 इज इक्वल टू 9 × 10³ न्यूटन अपॉन कूलम। रेडी? चलो, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। यहाँ पर देखो E1 और E2 की वैल्यू कैसी है, सेम। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई, दोनों तीनों कैसे है, सेम। रेडी? तो मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। रेडी? तो चलो, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ढूंढना है। तो फॉर्मूला है E1² + E2² + 2E1 × E2 cos θ। तो E1 एज इट इज, E2 एज इट इज, cos θ यानी 120। रेडी? तो cos 120 यानी -1/2 होता है। ये टू कट माइनस है, यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। E1 और E2 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, E1 की जगह E ऐड करो, E2 की जगह भी E ऐड करो, E × E यानी कि E² हो जाएगा। रेडी? E1 स्क्वायर की जगह E² लिख सकते हैं, E2 जगह E² लग सकते हैं। क्यों E² लिखा, क्योंकि E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो E² यानी 2E² योर -E² 2E² में से E² जाएगा, तो यानी ओनली 4E² पर अंडर रूट में। अगर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दो तो फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू ओनली फॉर ई, और ई की तो वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले से ही फिक्स है। ई सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वो फील्ड ऑन सी इज इक्वल टू ई, ई यानी 9 × 10³ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। इस तरीके से तीनों पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ढूंढ सकते हैं। यह हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.9। अब हम शुरू करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.10। देख लेना अच्छी तरीके से, किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हो, और फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे भी पूछ सकते हो। रेडी? चलो, अब हम देखेंगे हमारा न्यू एग्जाम्पल। रेडी? चलो, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.10। वो भी टेक्स्ट बुक में है। 2 charges ± 10 µC आर प्लेस एट 5.0 mm अपार्ट। 2 charge पार्टिकल है, प्लस और माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, माइक्रोकूलम आर प्लेस एट 5.0 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ये दोनों फिगर दी गई हुई है आपको टेक्स्ट बुक में। फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस पर पॉइंट पी है, उस पर लगने वाला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा। ऑन द एक्सिस द डाइपोल 15 cm अवे फ्रॉम इट। डाइपोल यानी सेंटर से, डाइपोल का टॉपिक है, ध्यान रखना। फॉर्मूला मैंने करवाई थी, ये एक्सिस पर डाइपोल है, ये एक्सिस पर डाइपोल है, और वो परपेंडिकुलर बाजू में दिए गए, ये एक्सिस पर डाइपोल है। तो डाइपोल का डिस्टेंस क्या है,
ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी इन दोनों के सेंटर से माइनस 10 माइक्रोकूलम एक और प्लस, इस सेंटर से कोई पी पॉइंट पर डायपोल मोमेंट है, यानी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। रेडी रेडी, तो यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस किससे था, 5.0 मिलीमीटर, यानी सबसे छोटा 5.0 मिलीमीटर था और ये 14 सेंटीमीटर है। देख लो, यानी ये पूरा हो गया, हम एज्यूम कर लेते ये पूरा है हमारे पास 2a, क्या है हमारे पास पूरा, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2a, यानी सेंटर से कट करो तो इन दोनों का डिस्टेंस इसका a और इसका भी कितना होगा a होगा। आई बात समझ में रेड, इन दोनों का पूरा डिस्टेंस था 2a, उसको मैंने हाफ कर दिया इसलिए a है, पर सेंटर से कोई पिन पॉइंट तक का डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये मैं उससे सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को मैं आर कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ आर, तो आर हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर में, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10^-2 मीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलो 2a है, 2a यानी इन दोनों का डिस्टेंस कितना, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था 2a, वो हमें क्या दिया गया होता 5.0 मिलीमीटर, वो हमें दिया गया होता, यानी 2a इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ 5 × 10^-3 मीटर, तो 2a इज इक्वल टू क्या मिला 5 मीटर, तो a इज इक्वल टू 2.5 मिलेगा ना, a यानी हाफ मिलेगा, 5 का हाफ यानी 2.5। रेडी, आई बात समझ में पहले, तो a मिल गया, सब मिल गया। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन डाइपोल एक्सिस, एक्सिस पर है तब हमारे फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला थी एक्सिस पर 2kp/r³। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, फार अवे पॉइंट इज गिवन बाय, यहाँ पर लगने वाली डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी। रेडी, तो एक्सिस पर है यानी कि ई एक्सिस इक्वल 2kp/r³, आर क्यूब यानी ये डिस्टेंस है वो, तो पहले P ढूंढना पड़ेगा, P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए P ढूंढना पड़ेगा, P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेयर P इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 2q × a था, 2q × a, तो 2q × a इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सेल अलॉन्ग P इज माइन, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, आई बात समझ में, इस डायरेक्शन में होगी, फर्स्ट केस में डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। रेडी, तो P की वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करने के लिए ढूंढनी पड़ेगी, P इज इक्वल टू q × 2, ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, q × 2, ये q हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है इसके द्वारा लगने वाला, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, यानी Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम है, क्या है माइक्रोकूलम, यानी 10 एज इट इज, माइक्रो है यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में, माइक्रो का होता है 10^-6, आगे बात समझ में, माइक्रो 10^-6, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया 2 × 5 × 10^-3, यानी 2a या है, तो 2a हमारे पास क्या था 5 मिलीमीटर था, देख लो यहाँ पर 2a क्या था हमारे पास 5 मिलीमीटर, यानी 5 × 10^-3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 5 × 10 = 15, तो आंसर मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 5 × 10^-8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। चलो अभी तो हमें एक्सिस पर मिला है, ये हमें पी की वैल्यू मिली, ये पी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, और ई एक्सिस पर लगने वाला ड्यू टू डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। रेडी, आई बात समझ में, ये पहले ही मैंने टॉपिक करवा दिया था, तब भी बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखना, बार बार आएगी, एक्सिस पर 2kp/r³ होता है, और परपेंडिकुलर हो तो होता है kp/r³, यहाँ 2 नहीं आता परपेंडिकुलर में। रेडी, चलो ये पी की वैल्यू हो गई, हमें पी की वैल्यू, अब हमें पी के और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है ई एक्सिस के जो फॉर्मूला है इक्वेशन 1 में। रेडी, चलो अब देखो, ई एक्सियल k2p/r³ 2 एज इट इज, k की वैल्यू 9 × 10^9, p की वैल्यू पीछे हमें मिली 5 × 10^-8, और
आर क्यूब, आर यानी डिस्टेंस है, वो मैंने पहले ही आपको समझाया था, आर यानी डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर का था ना, 15 सेंटीमीटर आर मिला था पीछे, तो 15 मल्टीप्लाई 10^-3 ऑल क्यूब, इसको सब्सटीट्यूट, इसको वैल्यू आप डिराइव करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.6 × 10^5 न्यूटन कूलम इनवर्स। इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, इसकी डायरेक्शन अलोंग ऑफ पी फ्रॉम -Q2Q, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, -P2 -Q2Q, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -Q2 -2 पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, इसलिए रेडी। चलो अब फिगर बी में देख लेते हैं, और फिगर बी में देख लेते हैं कैसा होता है। देखो यहां से यहां पर होगा, यहां से भी यहां पर होगा, रेडी दोनों पर, ये है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी ये अट्रैक्ट करेगा, रेडी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी ये कैसा करेगा, रिपल करेगा, तो यानी इस डायरेक्शन में जाएगा ये, आई बात समझ में। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस यहां पर होता है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहां पर होता है। चलो आई बात इतनी समझ में, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं पहले। पर ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, देखो यहां पर से यहां तक ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, सेंटर पर रखा हुआ है। देखो यहां पर क्वेश्चन लर्न कराओ, पॉजिटिव चार्ज शो इन द फिगर ए एंड बी, पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ, ये पॉइंट ओ है, वो कितने सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ, ओ से क्यू तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, कितना है, रेडी। ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द ओ, और लाइन पासिंग थ्रू द ओ सेंटर में से निकलने वाली ओ से ये 15 सेंटीमीटर दूर है, एंड द नॉर्मल ऑफ द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए शो इन द फिगर, आप ये फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर लगने वाला, यानी ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर है, डाइपोल की बात कर रहे हैं, डाइपोल की बात कर रहे हैं, इसलिए डाइपोल अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला के क्यू ओवन अपॉन आर स्क्वायर एडजस्ट कर लेते, पर ये डाइपोल कर रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर में डाइपोल की फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी, परपेंडिकुलर में जब डाइपोल मूवमेंट रखा हो तब मैंने ये लास्ट फॉर्मूला करवाई थी। देख लो यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्विलेटर लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर में अगर रहेगा तो उसकी फॉर्मूला रहेगी के पी अपॉन आर क्यू, जो मैंने लास्ट समझाया था, परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला है के पी अपॉन आर क्यू, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू पुट करो के की वैल्यू 9 × p, तो हमने लास्ट टाइम वही ढूंढा था, वही होगा, डाइपोल मूवमेंट तो सेम ही रहेगी, आर क्यू, आर यानी 15 × सेंटीमीटर में दिया गया होता, उसे मीटर में कह लो यानी 10^-2 मीटर हो जाएगा, आई बात समझ में, तो वैल्यू हो जाएगी ई परपेंडिकुलर 1.33 10^5 न्यूटन कूलम इनवर्स। लाइन अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, लाइन ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, पर इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डिफरेंट है, क्योंकि इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पर इसकी इस डायरेक्शन में देख सकते हो आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, इसकी डायरेक्शन इस कंडीशन में है, पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होता है, हमें मिलता है इस डायरेक्शन में, यानी कि क्यू पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ओपोजिट है, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ओपोजिट, तो मैंने लिखा लाइन ओपोजिट टू पी +Q2 - Q, यानी इसकी डायरेक्शन रहेगी +Q से -Q, आई बात किस तरह कैसे अच्छी तरह समझ में, तो ई एक्सियल मिले 2.6 × 10^5 न्यूटन कूलम अलोंग पी लाइन -Q2 / Q, यानी कि इसकी डायरेक्शन -Q से Q है, और ई परपेंडिकुलर यानी वो हमें मिला 1.33 × 10^5 अलोंग पी +Q2 - Q, आ गई बात अच्छी तरीके से समझ में, ये 1.8, 1.9 और 1.10 मोस्ट आईएमपी है, आप अच्छी तरीके से फेसबुक में लिख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।